नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश स्तर के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर भी राज्य अध्यापक शिक्षण संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कांग्रेस को चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने, एरियर्स की राशि दिलाने, क्रम उन्नति करने सहित कुल 12 बिंदुओं पर अमल करने और 1994 के कैडर को दिलाने की मांग की गई। ज्ञापन में जिले भर के अध्यापक मौजूद रहे। पूरे प्रदेश का मामला है, पूरे आज पूरे मध्य प्रदेश में राज शिक्षक संघ के आह्वान पे ये ज्ञापन दिया जा, सारे जिला स्तर पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। प्रमुख मांग हमारी है कि राज शासन द्वारा हमें वचन पत्र अनुसार 94 वाले कैडर का मूल शिक्षा विभाग जसका मूल विभाग दिया जाए और साथ ही वेतनमान के आदेश प्रसारित किए जाए। जैसा कि ऑलरेडी आदेश है, लेकिन शासन द्वारा अभी तक कोई आदेश ठीक ढंग से आदेश जारी नहीं किए गए हैं। इसके साथ ही हमारी स्थानीय समस्याएं हैं, जिसमें वेतन नियमित वेतन भुगतान होना चाहिए 1 तारीख को, आज 15 तारीख के बाद में भी हमारा वेतन भुगतान नहीं हो पाया, जिससे आगे कई समस्याएं हैं। कई लोग होम लोन लिए हैं तो समय पे किस्तें भी नहीं भरा पा रही हैं। इसके साथ ही 12 वर्ष पूर्ण कर चुके अध्यापकों को क्रमोन्नत का लाभ मिलना चाहिए, वो आज दिनांक तक हमको नहीं मिल पा रहा 2003 के बाद। पूरे प्रांतीय आह्वान पर आज विदिशा जिले से आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जैसे कि प्रदेश सरकार में वादा निभाव वचन पत्र के अनुसार 1994 का जो कैडर हमको देना था, आज तक उस दिनांक पर शासन द्वारा सरकार द्वारा कोई भी आज तक आदेश प्रसारित नहीं किए गए हैं, जिससे कि जब सरकार बनने से पहले हर मंच से ये उन्होंने अपने वचन पत्र में कहा था कि 1994 का हम कैडर देंगे ये सभी अध्यापकों को, तो इस पे हमने आज प्रांतीय आह्वान पे ये ज्ञापन दिया है। हम सब एक हैं, हमारी मांगे राहुल रघुवंशी की रिपोर्ट।